कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो सूखा मसाला होता है जिससे कबाब में फ्लेवर्स आते हैं वो हम रेडी करते हैं। तो हमने यहाँ पे सारा मसाला रेडी कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो सूखा मसाला है उसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा चम्मच धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा और 10 से 12 काली मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो तीखी नहीं होती है, इसे कलर काफ़ी अच्छा आता है। अब इसे हल्का सा भून लें। भुने हुए मसाले की खुशबू काफ़ी अच्छी आती है कबाब में, तो इसलिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ भून लिया है। आप चाहे तो सारी चीज़ों को अलग अलग भून कर इसे हल्का सा क्रश करके भी रख सकते हो। धनिया और जीरा को भून लिया है, अब हम यहाँ पे भूनेंगे एक बड़ा चम्मच बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो जो दालिया होता है, जो भुना हुआ चना का दाल होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच बेसन लिया है, इससे कबाब में काफ़ी अच्छी बाइंडिंग भी आती है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। बेसन को हमने अच्छी तरह से खुशबू आने तक भून लिया था, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम होने पर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने इस तरह से लंबा काट कर रेडी कर लिया था। अब प्याज को हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर भूनना है। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है और जो एक चम्मच तेल हमने रखा था उसी तेल में ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हुए हैं और तेल काफ़ी बचा हुआ है और इसी तेल में हम हमारे सारे कबाब को फ्राई करेंगे। कबाब के लिए सारी सामग्री हमने तैयार करके रेडी की है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कबाब बनाना। अब एक मिक्सर जार लें और उसमें जो धनिया जीरा भुना हुआ मसाला था वो हम रखकर इसे पीस लेंगे। मसाला को हमने हल्का सा दरदरा पीसा है, इससे टेस्ट काफी अच्छी आती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। अब एक एक करके सारे मसाले रखते हैं। हमने यहाँ पे रखा है एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर रखेंगे फ्राइड अनियन, प्याज जिसको हमने भून लिया था। अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ एक बड़ा चम्मच पुदीना के पत्ते, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती और भुना हुआ बेसन। फिर रखेंगे एक छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को हमने पीस कर रेडी कर लिया, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हमारा ये पिसा हुआ जो मिक्सचर है मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से शेप होल्ड कर रहा है। तो ऐसा ही मिक्सचर होना चाहिए पीसने के बाद। अगर हाथ में हल्का सा आपको चिपचिपा लगे तो और थोड़ा सा बेसन ऐड कीजिए। मिक्सचर को हमने बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और इसे अब हम 20 से 25 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, तो चलिए अब बनाते हैं कबाब। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये पेंसिल। इसके जगह पे अगर आपके पास सीख है तो सीख से भी बना सकते हो, अगर नहीं है तो इस तरह का स्क्रू ड्राइवर या पेंसिल जो भी आपके पास है उससे भी काफ़ी अच्छे से सीख कबाब बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम बनाएंगे जो पेंसिल है उसमें कबाब बनाते हैं। हाथ को हल्का सा तेल लगा कर ग्रीस करें और कबाब का जो मिक्सचर है उसे हाथ में लेकर इस तरह से रोल करें। अच्छे से इसे लंबाई आकार देने के बाद जो पेंसिल है उसे बीच में इस तरह से रख लें। अब इसे हल्के हाथ से दबाते हुए ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से प्रेस करते हुए लंबा सा कबाब बनाएं।
देखिए हमने इसे पेंसिल से निकाल कर रेडी कर लिया है। इसी तरह से बाकी के कबाब भी बनाते हैं। हाथ को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। बैटर ले लें और अब हम कबाब बनाएंगे स्क्रू ड्राइवर में। स्क्रू ड्राइवर में भी काफ़ी अच्छे से कबाब बनते हैं। अब जैसे सीख में कबाब बनाते हैं उसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सीख में कबाब बनाते हैं। देखिए इस तरह से सीख को पहले कबाब के बीच में से डाला जाता है। पहले सीख को अच्छी तरह, हमने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लिया है, तो स्क्रू ड्राइवर हो या सीख हो उसको अच्छे से तेल लगा ले और कबाब का बैटर लेके उसके बीच में से आप सीख को निकाल कर हल्के हाथ से इसे दबाते हुए कबाब का शेप दे दें। सारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, तो चलिए इसे पकाते हैं। फिर हमारे फ्राइंग पैन में पहले से ही तेल था, प्याज को फ्राई करने के बाद में जो तेल बचा था उसी तेल में हम अब कबाब बनाएंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखें और तेल गर्म होने पर एक एक करके कबाब रख दें। एक साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर इसे इस तरह से टर्न करते हुए सारे साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। अब ऊपर से हल्का सा तेल ब्रश करेंगे। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। हमारे कबाब चारों साइड से अच्छी तरह से इसी तरह से लाल होने तक पक गए हैं, तो बाकी के जो कबाब हैं वो भी पका लेते हैं। बचे हुए जो कबाब है उसे भी हमने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ये रेसिपी अगर पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए शारदा कुजिन।